हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बताएंगे कि बोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन को क्यों रेलवे वालों ने वीआईपी स्टेशन बनाया हुआ है। ये जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, हरियाणा का गन्नौर से अगला स्टेशन है। पानीपत की तरफ से आएंगे तो संभालका से अगला वाला स्टेशन और दिल्ली की तरफ से आओगे तो गन्नौर से अगला स्टेशन है। यहाँ पर कई दिनों से सत्संगियों का भारी संख्या में आना जाना लगा हुआ है। ये सभी सत्संगी निरंकारी जी के विचार सुनने व सत्संग में सेवा करने के लिए भारत के कोने कोने से आते हुए हैं। इस स्टेशन को रेलवे ने वीआईपी स्टेशन बना रखा है। यहाँ पर दो या तीन ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनों को 5 से 10 मिनट तक रोका जाता है, जिसके लिए रेलवे ने निरंकारी जी से करोड़ों रुपए में ठेका किया हुआ है। सत्संग के समाप्त होने का समय 30 अक्टूबर है। इसके बाद यहाँ पर सत्संगियों का जाने का समय हो जाएगा। यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में ट्रेनों में बैठकर तो सत्संगी आते ही आते हैं, बट बसों और कारों से भी भर भर के भारी संख्या में सत्संगी आते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक खड़ा करने के लिए बहुत ही बड़ी पार्किंग बनाई गई है। ये जो देख रहे हैं आप, कितनी भारी संख्या में श्रद्धालुगण तो है ही हैं, पर देखिए पीछे कितना भारी ट्रैफिक है। बाप रे बाप, इतना बड़ा ट्रैफिक नहीं देखा होगा आपने। बसों और कारों की गिनती नहीं की जा सकती है, और फिर भी हम बता सकते हैं कि आपको हजारों की संख्या में ट्रैफिक आया हुआ है।